बबीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम। अपील साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत। ऐसा है अपील साहब, मैंने यहाँ से सबसे पहले आपके यहाँ से टीवी पर देखकर गाउन सिया मंगवाया था। मेरे घुटनों में पेन थी तो उसके बाद मेरी नर्व्स भी वीक थी, मेरे में वीकनेस बहुत थी। तो यहाँ और डायबिटिक पेशेंट भी हूँ मैं, तो यहाँ से मैंने काफी सामान मंगाया, जैसे जैतून का सिरका था और गोंद सिया था, और फिर नर्व के लिए उन्होंने एफ केयर मेरे को दी थी, जिसमें मेरे को काफी फायदा था। एफ केयर का काफी फायदा हुआ। लेकिन फिर हमारे वृंदावन से मेरे गुरु जी वो आए, मैंने उनको बताया, उन्होंने भी आपको ऑर्डर दिया, मैं आते मंगाया। फिर हमारे एक मैम है, ऑल इंडिया में उनका स्कूल है, लवली पब्लिक का, उनको भी मैंने दिया, ये सिरका मंगा के दिया अभी 2 दिन पहले ही। लेकिन मेरे को बेनिफिट तो है, लेकिन एक मेरे प्रॉब्लम है, एक तो दवाइयाँ खाने से मेरे को पेट में अठन हो जाती है और कब्ज की शिकायत हो गई और बवासीर का मौका बन गया है। तो और दूसरी बात ये है कि मेरी जो गर्दन की पहले शिवरिंग थी मेरे सारे, तो गर्दन की ना जैसे मैं बात करती हूँ किसी से या स्ट्रेट होती हूँ तो मेरी गर्दन ना हल्की हल्की हिलती है। तो मैंने आपके यहाँ पर कॉन्टेक्ट किया था कल परसों, उन्होंने मेरे को सुपर पावर ब्रेन किट दी थी और साथ में एक स्ट्रेंथ वाली दी है, सुपर स्ट्रेंथ कोई है कैप्सूल, उन्होंने बोला कि वो खाओ, तो वो मैं ले रही हूँ। लेकिन मेरे को ये आप हकीम साहब से बहुत देर हो गई, मेरे को बात नहीं हुई, मैंने ये पूछना था हकीम साहब क्या मेरी ये प्रॉब्लम जो है गर्दन हिलने की, क्योंकि मेरे को साइकिल है, तो गर्दन हिलने की ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होगी कि नहीं होगी, ये सारी समस्या खाने के बावजूद? और तो फिर मतलब मैंने वो नमक जैतून भी लिया, रात को मैंने नमक जैतून लिया था, उससे मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला है। अब आप मेरे को बताइए कि मेन प्रॉब्लम गर्दन हिलने की है और ये दवाइयाँ लेने के बाद जो मेरे को गर्दन ना कब्ज ना हो, इसका क्या तरीका है? ठीक है, आप ये अच्छा है कि दिल्ली से हैं और दिल्ली वाले के लिए ये आसानी है कि हमारे करोल बाग के क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा मामला है जो आप पर्सनली डॉक्टर से मशवरा लेना चाहें, दिखाना चाहें, तो अभी तक आपको फ़ोन पर ये सब मदद की जा रही है। डॉक्टर देखने के बाद आपको और भी अच्छा फैसला कर सकते हैं। जैसे गर्दन का हिलने का मामला है तो उसमें एक्सरसाइज ज़रूर करें और मूंग की दाल का खूब खूब इस्तेमाल करें। जिनको भी गर्दन हिलने का या हाथ हिलने का प्रॉब्लम है, मूंग की दाल एक अच्छी ग़िज़ा हो सकती है। तो देखिए, एस केयर लें आप जिस वक्त, तो वो उस वक्त में गौन सिया ना लें, कम से कम 4 घंटे बाद लें गौन सिया एस केयर से। दोनों में इतना फासला ज़रूर रखें। और किसी किसी को ये दवाएं कब्ज़ कर सकती हैं, और कब्ज़ का मतलब है कि बवासीर कर सकती हैं। तो इन दवाओं के साथ कोई भी एसिडिटी की टेबलेट ज़रूर ले लिया करें आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे पेट फूलता है या कब्ज़ हो जाता है या बवासीर के लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो डॉक्टर भी अपनी तमाम दवाओं के साथ एसिडिटी की गोली ज़रूर देते हैं। और आज हम पेट से इतने मजबूत नहीं रहे कि हर शख्स पेट से परेशान है, तो एसिडिटी की गोलियां दिन में एक दो बार, 3 बार भी ली जा सकती हैं।